कन्नौज भारत में उत्तर प्रदेश प्रांत के कन्नौज जिले का मुख्यालय एवं प्रमुख नगर पालिका है। शहर का नाम संस्कृत के कण्यकुब शब्द से बना है। कन्नौज एक प्राचीन नगरी है एवं कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। माना जाता है कि कण्यकुब ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के हैं। विंध्योत्तर निवासी एक ब्राह्मणों की समूह है जिनको पंचगौड़ कहते हैं। उनमें गौड़, सारस्वत, औतकल, मैथिल और कण्यकुब है। उनकी ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति प्रचलित है, सर्वेद्विदा कण्यकुब्जा माधी माथुरी, विना कण्यकुब्जी ब्राह्मण अपनी इतिहास को बचाए रखें। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए मशहूर है। कन्नौज की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 71,533 आंकी गई थी। यहां मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा कन्नौजी भाषा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यहां के किसानों की मुख्य फसल आलू है। परिचय, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यह नगर गंगा के बायने और ग्रैंड ट्रंक रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किसी समय गंगा नदी इस नगर के पार्श्व से बहती थी। रामायण में इस नगर का उल्लेख मिलता है। टॉलेमी ने ईसा के काल में कन्नौज को कनौगिजा लिखा है। 5वीं शताब्दी में यह गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख नगर था। 6वीं शताब्दी में श्वेत हूणों के आक्रमण से यह काफी विनष्ट हो गया था। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, इस नगर का उल्लेख किया है। 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल में मुसलमानों के आक्रमण के कारण यह नगर काफी विनष्ट हुआ। 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस नगर पर अपना स्वत्व जमाया। आयन अकबरी द्वारा ज्ञात होता है कि अकबर के समय में यहां सरकार का मुख्य कार्यालय था। प्राचीन काल के भग्नावशेष आज भी लगभग 6 किलोमीटर व्यास के अर्धवृत्तीय क्षेत्र में वर्तमान है। इस नगर के निकट कई मस्जिदें, कब्रें तथा समाधियां हैं, जिनमें बालापार तथा शेख मेहदी की समाधियां उल्लेखनीय हैं। कन्नौज इत्र और इतिहास की नगर रहा है। कन्नौज अपने मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। कन्नौज में प्रमुख रूप से बाबा गौरी शंकर मंदिर के लिए भी जाना जाता है। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सांसद डिम्पल यादव है।